गाइज इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला एपिसोड देख के आओ। नाइट टू द चाइल्ड लाफिंग लुक लुक इजंट इट फनी द सीटर आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट ओके लेट्स गो। सेकेंड नाइट है और पहले नाइट में ही भाई बहुत डरावना हुआ था। ओके अच्छा सबसे पहले हमको वही करना है, बॉटल लेनी है फ्रिज में से और उसको पिलाना है। एक सेकेंड ये ना नॉर्मल सा बॉटल है भाई, ये क्या हुआ? एक सेकेंड ये अंधेरा हो गया पूरी जगह पे, ये लॉक हो गया यार। ओके ओके लाइट ऑन करनी थी, लाइट ऑफ करा तो वो लॉक हो गया। भाई ये बहुत ज्यादा स्केरी था, थोड़ा सा मैं डर गया अचानक से क्या हो गया। और यहाँ पे की रखी हुई है, एक सेकंड ये की बाद में देखते हैं, पहले बेबी को फीड कर देते हैं, उसके बाद इसकी नैपकिन चेंज करनी है। रुको पहले ये की किस काम की है यहाँ पे, रुको रुको अभी मैं की को टच नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले बेबी को रखते हैं और बस मैं पीछे मुड़ू तो ये गायब नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे मुड़ूंगा पीछे ये गायब नहीं होना चाहिए, ये गायब हो जाएगा यार। ये उठाई मैंने नैपी और ये क्या नैपी ऊपर जा रही है, अरे अपने आप ही उड़ रही है नैपी, ये क्या है? एक सेकंड और नैपी यहाँ पे है क्या? अचानक से उड़ के यहाँ पे आ गई। और ये क्या, ये कुछ है डायरी वगैरह? ये दरवाजा अभी लॉक था, रुको ये बेडरूम है और यहाँ पे इसकी नैपी आ गई है और ये कुछ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है। इस बार ये तो नहीं हिला लेकिन इसने मुझे हिला दिया। तो हाँ अब टाइम टू आ गया है इसको बेड पे ले जाने का, तो चलो। ओ भाई 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 मैंने जैसे ही रास्ता क्रॉस किया ये अचानक से यहाँ पे आ गया। और ये भाई ये क्यों डरा रहा है मेरे को? एक सेकंड इसको ले जाने दो, मुझे यहाँ पे सुलाने दो, तू सो मेरे को डरा मत। ये लाइट भी ऑफ कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और ये दरवाजा ना खुले। एक सेकंड ये दरवाजा खुलेगा मेरे ख्याल से, खुलेगा नहीं खुलना चाहिए। ओके नहीं खुला, नहीं खुला। सीधा सोफे में बैठना है और देखते हैं क्या होता है। सोफे में बैठ गया हूँ और यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे झपकियाँ लेने लग गए। वैसे टीवी पे आ क्या रहा है? टीवी पे कुछ नहीं आ रहा, आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। नाइट थ्री द सीटर गुड नाइट स्वीट ड्रीम द चाइल्ड आई विल शो यू माय ड्रीम्स। ओके ये बहुत ज्यादा स्केरी हो रहा है, नाइट थ्री और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए चिल आउट वॉच टीवी ऑन द सोफा। ओके ये रोने लग गया और मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, तो इसको पहले सेटल करना होगा यहाँ पे। हेलो क्या हुआ तुझको? ओके टर्न ऑन द लाइट्स। ये सिंपल लग रहा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये नाइट थ्री है और ये बेबी अब मुझे अपना ही। ओके यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? ओ भाई फाइंड फीड मी लिखा है यहाँ पे, मेरे को पहले फाइंड लगा। क्रिसमस का दिन है, ओके क्रिसमस जल्दी ही आने वाला है आप सबको तो मेरी क्रिसमस, बस यहाँ पे मेरा क्रिसमस अलग ही निकलने वाला है। हमको कुछ खाने के लिए मैं यहाँ पे आया था, फीड द बेबी यू मॉन्स्टर। ओके और ये फ्रिज, ओ भाई ओ मैं पीछे मुड़ा। ओके मैं इसको ले लेता हूँ। और ये मुझे लगा ही था ये डोर बंद होगा और अचानक से ये ओपन। ओ शिट भाई कहाँ पे आ गए हम लोग? ये अचानक से रुको ये बॉटल भी अपने आप गिरी, ये हम लोग कहाँ पे आ गए? ये ओपन होगा क्या? हम लोग कहाँ से खुल रहे हैं? यहाँ पे वो जो की थी वो भी गायब हो गई और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है। इसको फीड करते हैं, रुको अब लगता है इसको चेंज करने ले जाना है और ये बहुत खतरनाक है यहाँ पे, इसको चेंज करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रुको ये मैंने रखा और ये उठाते ही ये कुछ करने वाला है। ओ हेलो एक सेकेंड, ओ ये देखो क्या कर रहा है, गेट द पेरेंट्स। ओके ऊपर जाना है और हमको इसके पेरेंट्स को, अच्छा वो बुक देखी थी हमने, उसका नाम था ये, उसको लेके आना है। एक सेकेंड ये रही इसको उठाना है इसको। ओके और लगता है इस बेबी को नॉर्मल करना है, अरे ये नीचे गिर गया। एक सेकेंड इसको ले जाके मैं उस बेबी को फटाक से नॉर्मल करता हूँ। ये बेबी क्या है? लगता है इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कुछ करना है हमको परफॉर्म। ओके इसे लग गई, मुझे लगता है इसकी कुछ भी गलती नहीं है, शायद से ना कुछ तो है जो इस बेबी के साथ गलत है, वो तो अब आगे खेलते खेलते ही पता चलने वाला है कि भाई सीन क्या है। ओके अरे भाई बस वो खुद ही अंदर चल गया सेटल बेबी। एक सेकंड ये डरा रहे, एक सेकंड ओ ये क्या है भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओ गुड नाइट।